आपका हमारे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूरे इंडिया में यूनानी पीजी की सीट्स कितनी हैं। आप सब जानते हैं कि AIPGT का रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 8 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले बहुत लोग के मैसेज, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं। लोगों को सीट्स की का आइडिया नहीं है, बहुत सारे लोगों को, और कहाँ कितनी सीट्स हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें से ये लोग पूछ रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी सीट्स हैं, उसमें पेड कितनी है, नॉन पेड कितनी है, SC ST में कितनी है, और किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं। तो ये सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे, आपको ये समझने से पहले कि सीट्स कितनी हैं, आपको ये समझना होगा कि इसमें कोटा सिस्टम जो है, रजिस्ट्रेशन आप जब करेंगे काउंसलिंग के लिए तो उसमें आपको तीन तरह के कोटा दिखेगा। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट या ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, और आएगा एक नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट, और एक कोटा दिखेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी या ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा। तो इस अलग अलग कोटा करके आप समझेंगे तो बात समझ में आएगी। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, इसमें कौन कौन कॉलेज आते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार हैदराबाद, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेंगलोर जो इस साल से ऐड हुआ है, वहाँ PG शुरू हुई है, और तीसरा है UP के दो कॉलेज है, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज और स्टेट तकमीलुद्दीन कॉलेज लखनऊ। तो ये ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में क्यों आते हैं, इसमें इसको क्यों डाला है। ये तीनों कॉलेज स्टेट कॉलेज है, स्टेट कॉलेज के जितनी सीट्स हैं वो सारे ऑल इंडिया कोटा के लिए अवेलेबल नहीं हैं। वो स्टेट के लिए होता है, रिजर्व रहता है, वहाँ के स्टेट के लड़के ही वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज काउंसलिंग में उस पूरे स्टेट में, उस कॉलेज में जितनी सीट्स हैं उसका 15% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रलाइज काउंसलिंग के ज़रिए फिल होगा, यानी उसमें पूरे इंडिया के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए इस कोटा के ज़रिए, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के ज़रिए आपको इन तीनों कॉलेज में सीट मिलेगी। उस तरीके से अब आइए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें कौन कौन कॉलेज है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोलबाग की बात कीजिए। यहाँ पे जो सीट्स हैं वो, या और अजमल खान तिब्बिया कॉलेज, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें यह है कि इन दोनों में जो सीट्स हैं उसमें 50-50% इंटरनल और एक्सटर्नल सीट है, यानी 50% सीट ही ऑल इंडिया के बच्चे जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और 50% बाकी सीट्स है वो उस इंस्टीट्यूट से पास आउट लड़के ही उस पर एलिजिबल होंगे। अब आते हैं NIUM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर, और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर, और फिर रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर। ये हैदराबाद, बेंगलोर और श्रीनगर में जो तीन कॉलेज हैं, ये तीनों नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसमें जो सीट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है जो एडमिशन यहाँ ले सकता है। अब हम बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी या ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ सिर्फ इस जामिया हमदर्द है, स्कूल ऑफ यूनानी मेडिकल एजुकेशन रिसर्च जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में आती है। इसमें जो सीट्स हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा से फिल होगी, यहाँ 9 सीट्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसके बाद आता है ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट, इसमें ZBM यूनानी मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र के, लुकमान यूनानिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बीजापुर कर्नाटका के, जामिया तिब्बिया देवबंद UP, और देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर देवबंद UP। ये चार कॉलेज प्राइवेट, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट के हैं। इसमें पिछले साल सेंट्रलाइज काउंसलिंग से एडमिशन हुआ था कुछ सीट्स पे, लेकिन अभी इस बार, इस साल का अभी तक का स्टेटस यह है, एक नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ज़रिए से जारी हुआ था, उसमें ये लिखा गया, उसमें ये था कि इन प्राइवेट कॉलेजेस में, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट के लिए, अपने अपने रिस्पेक्टिव सीट स्टेट के काउंसलिंग के ज़रिए इसमें सीट भरेंगी, फिल होंगी, तो वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी लास्ट ईयर ये चारों कॉलेजेस में भी ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन हुआ था। तो ये प्राइवेट है, ये नॉन पेड सीट्स होती हैं, यहाँ फ़ी बहुत ज़्यादा लगेंगी और आपको स्टाइपेंड भी नहीं मिलने वाली है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में, ये जामिया हमदर्द में, यहाँ भी फ़ी लगती है ज़्यादा, 2 लाख के आसपास, लेकिन यहाँ पे आपको 10,000 करीब स्टाइपेंड में मिलती है।
तो अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट वाइज सीट्स कितनी हैं। तो सबसे पहले NIM की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनान मेडिसिन बेंगलोर। यहाँ 10 डिपार्टमेंट्स में 57 सीट्स लास्ट ईयर का स्टेटस था, लेकिन इस साल EWS की 14 सीट्स और बढ़ी हैं। वो किस किस डिपार्टमेंट में बढ़ी है वो अभी तक क्लियर नहीं है। ये तब क्लियर होगा जब आपको साइट पे सीट मैट्रिक्स दिया जाएगा, जो सीट चॉइस करने से पहले पहले सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो टोटल 71 सीट्स हुए EWS को ऐड करके इस साल NIM में। अब बात करते हैं नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर हैदराबाद। पहले इसका नाम CRIUM हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज होकर के अपग्रेड होकर के ये नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट्स हैं, मौलजात और इल्मुल अदविया। इन दोनों डिपार्टमेंट्स में लास्ट ईयर 14 सीट थी, सात सीट थी, लेकिन अब इस साल दोनों डिपार्टमेंट में दो एक्स्ट्रा बढ़ी हैं EWS की। तो यानी 4 EWS की ऐड हुई हैं, तो अब टोटल 18 सीट्स हुई। ये भी NRIUMST में जितनी सीट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, कोई भी यहाँ एडमिशन ले सकता है, कोई यहाँ पे कोटा नहीं है। इस तरीके से आप इसके बाद है RRIUM श्रीनगर, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन श्रीनगर। यहाँ भी दो डिपार्टमेंट मौलजात और इल्मुल अदविया है, दोनों में 9 सीट हैं। पहले यहाँ सिर्फ 14 थी, दो एक्स्ट्रा इस साल से EWS की भी यहाँ बढ़ी हैं, तो यहाँ टोटल 18 सीट्स हुई। अब बात करते हैं AMU AKTC AMU की। यहाँ पे मौलजात में, इल्मुल अदविया में और कुल्लियात, ये ऊपर के 6-7 डिपार्टमेंट में 4-4 सीट्स हैं। तो और नीचे PSM में, सर्जरी में 2 हैं और गायनी ऑप्स और PSM में 1-1 है। टोटल 32 सीट्स हुई। यहाँ आती है अब पेड और नॉन पेड की बात। लोग जो पूछ रहे हैं पेड और नॉन पेड कितनी है सीट्स, तो पूरे इंडिया में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो सब के सब सीट्स पेड हैं, सिर्फ AMU में नॉन पेड है। कुछ कॉलेजेस में, कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ करके, जैसे कि AMU में मौलजात, ऊपर की जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं मौलजात, इल्मुल अदविया, कुल्लियात, इन तीनों की 12 सीट्स हैं ये पेड हैं, इनमें स्टाइपेंड मिलती हैं, और बाकी सीट्स में स्टाइपेंड नहीं मिलती है, तो ये नॉन पेड है। बाकी इंडिया में हर कॉलेज में सीट पेड हो गई है। लास्ट ईयर UP के कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट आई थी वो नॉन पेड थी, लेकिन अब वहाँ भी पैसे मिलने शुरू, स्टाइपेंड मिलने शुरू हो गए, तो अब वो भी नॉन पेड नहीं रहा, वो भी पेड हो गया। तो AKTC में 32 सीट्स हैं। यहाँ EWS सीट आई थी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने, AKTC ने उसको रिटर्न कर दिया। उसकी अपनी पॉलिसीज हैं, अगर वो EWS लेते तो फिर उनको हर डिपार्टमेंट में आपको SC ST और सारे रिजर्वेशन लागू करने पड़ते, तो ये सारे मसाइल थे जिसकी वजह से वहाँ रिटर्न कर दिया गया। तो वहाँ पे 40 ना होकर के 32 ही सीट्स हैं, इसी 32 सीट पे एडमिशन होंगे। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक इंजीनियरिंग तिब्बिया कॉलेज करोलबाग न्यू दिल्ली का। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें जो सीट्स हैं 4 डिपार्टमेंट में 10, लास्ट ईयर तक 10 था, लेकिन इस साल EWS की 3 सीट्स और ऐड हुई हैं। वो किस किस डिपार्टमेंट में होंगी और एक्सटर्नल कितनी होगी, इंटरनल कितनी होगी, ये जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे अब ये 10 में, पहले अब तक का ये मामला था कि वहाँ 5 सीट इंटरनल के लिए रिजर्व हुआ करता था और 5 सीट एक्सटर्नल, यानी 5 सीट पे कोई भी इंडिया का कैंडिडेट एडमिशन ले सकता था। तो यहाँ पे 5 ही है ऑल ओवर इंडिया के लिए आप अवेलेबल है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज चार मीनार। ये आएगा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में, यानी ये स्टेट का सीट है। चूँकि ये स्टेट का सीट है तो स्टेट इसमें 45 टोटल सीट्स में है, तो ये 45 ऑल ओवर इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। ये 45 सीट्स पे सिर्फ तेलंगाना के कैंडिडेट्स जो होंगे वो एडमिशन ले सकते हैं, वो 45 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बाहर के लोग, दूसरे स्टेट के बच्चे, इसमें से 15% सीट्स पे ऑल इंडिया कोटा के ज़रिए इसमें एडमिशन होगी, तो वो सिर्फ 15% सीट्स पे ही बाहर वाले, आउट स्टेट वाले एलिजिबल होंगे। लास्ट ईयर 35 थी सीट्स और 39, इस साल इंक्रीज होकर 45 हुई है। तो लास्ट ईयर 5 सीट दिए थे इन लोगों ने ऑल इंडिया कोटा को, इस साल या तो 6 देंगे या 7 देंगे। तो ये यानी इसमें जो सीट्स हैं वो सिर्फ, उसमें सिर्फ 6 सीट्स ही ऑल इंडिया कोटा के ज़रिए एडमिशन होगा।
अब बात करते हैं गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेंगलोर, ये इस साल से ऐड हुआ है। यहाँ दो सीट हैं, दो डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी और गायनी ऑप्स, इन दोनों में पांच पांच सीट्स हैं और इनमें टोटल 10 सीट हुई। अब इसमें कितने ऑल इंडिया कोटा को जाता है, ये भी चूँकि स्टेट सीट है, स्टेट का कॉलेज है, तो यहाँ पे भी सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ उस स्टेट के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे 10 सीट पे। लेकिन ऑल इंडिया कोटा 15% ये हो सकता है दें, तो 15% में सिर्फ एक या दो सीट्स आएगी, तो ये ऑल इंडिया कोटा से एक या दो सीट पे ही एडमिशन हो पाएगा इस कॉलेज में। अब बात करते हैं स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। यूपी में दो कॉलेज है, स्टेट तकमिलोत्तीब कॉलेज लखनऊ और स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, तो इन दोनों में यूपी के, चूँकि स्टेट कॉलेज है तो यूपी के लड़के एलिजिबल होंगे। 8 सीट है प्रयागराज इलाहाबाद में, ENT में 2, IBT में 2, ये लास्ट ईयर का स्टेटस है, एनाटोमी में 2 और PSM में 2, ये तकमिलोत्तीब में है, टोटल 8 सीट है। 8 सीट का 15% एक सीट भी नहीं होता है, शायद इसलिए लास्ट ईयर इन लोगों ने ऑल इंडिया कोटा को सीट्स नहीं दी थी, और इस बार हो सकता है एक सीट दें ऑल इंडिया कोटा को, इसलिए एक ही कॉलेज का नाम ऑफिस सेंट्रल काउंसलिंग के साइट पे दिया हुआ है प्रयागराज का, तो शायद एक सीट देंगे वो, या फिर हो सकता है अभी भी यहाँ भी EWS की कुछ सीट्स पड़े, तो ये सब क्लियर होगा जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, तो इसके लिए सीट मैट्रिक्स का इंतज़ार करना होगा। अब बात करते हैं जामिया हमदर्द जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसकी, यहाँ पे 9 सीट्स हैं, मौलजात इल्मदवी और PSM तीनों में 3-3 सीट्स हैं, ये 9 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए अवेलेबल होता है, कोई भी कहीं का भी स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकता है। और अब ऑल ओवर बात कर लें हम, टोटल कितनी सीट्स हैं, सबसे ज़्यादा अहम सवाल यही लोग करते हैं कि टोटल इंडिया में कितने सीट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो ये हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर कोई तेलंगाना के लिए है तो उसके लिए ज़्यादा होगी, क्योंकि वो चार मीनार की भी सीट्स ऐड होंगी, तो इसमें आप अगर ऑल इंडिया के कोटा के लिए बात करें तो NIU में 71 सीट हुई, हैदराबाद में 18, श्रीनगर में 18, और ये तीनों कॉलेज, ये ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इन तीनों सीट कॉलेज के सीट्स पे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी AMU का 32 सीट्स है, तो वहाँ 16 सीट्स पे इंटरनल सीट कोटा का सीट है, तो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा जो AMU के बाहर का है उसके लिए 16 सीट्स ही अवेलेबल हुई। और उसी तरह तिब्बिया कॉलेज में 15% यानी 5-6 या 7 इंटरनल होगा तो 6 या 7 एक्सटर्नल होगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि टोटल सीट्स गवर्नमेंट कितनी है, आपके लिए कितनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं, आप किस इंस्टीट्यूट से हैं, वो उस इसलिए वो इस तरीके से आपको देखना होगा अलग अलग कर करके कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कहाँ से हैं, तो आपके लिए टोटल सीट्स कितनी हुई। ऐसे तो टोटल सीट्स अगर हम जोड़ते काउंट करते हैं तो चार मीनार के 45 अगर ले लें, बेंगलोर के 10 ले लें, लखनऊ के 8 ले लें, तो टोटल गवर्नमेंट सीट 215 हुई। लेकिन ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए चार मीनार में 6 ही सीट होती है, हैदराबाद में, बेंगलोर में 1 सीट होंगी, प्रयागराज लखनऊ में 1 होगी, तो इस तरीके से 160 ही टोटल सीट होती हैं। लेकिन इस 160 ऑल इंडिया कोटा के लिए भी 160 ये नहीं है, इसमें भी आप AMU में 16 सीट्स इंटरनल हो जाएगी, तो वो सिर्फ इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो भी कम करना होगा आपको। करोल बाग में 7 सीट या 6 सीट इंटरनल होगी, तो वो भी इतना आपको कम करना होगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि एक बार में कोई बोल दे कि कितने सीट्स हैं गवर्नमेंट में, ये इतना आसान नहीं है, आपको वो हर किसी के लिए अलग अलग है, इस पर आपको समझना होगा हर बात को अलग से कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितनी है। तो होप आप लोग ये सब अच्छे से समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं EWS जो नया इस साल ऐड हुआ है। EWS सीट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी का ही, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है कि जनरल कैटेगरी में भी लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं तो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, तो इस साल से ये शुरू हुआ है और EWS के लिए अलग से सीट्स आई हैं। जो जो सीट्स इस साल तकरीबन जितने सीट्स ऐड हुए हैं वो सब EWS की ऐड हुई हैं, तो इन सीट्स पे सिर्फ EWS के स्टूडेंट्स का ही एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पे NIU में 14 हैं EWS की सीट, हैदराबाद में 4 हैं, RRUM श्रीनगर में 4 हैं और करोल बाग में 3 हैं, टोटल 25 सीट्स हो रही हैं EWS की।
और एमयू की 8 थी तो वो तो अब वापस हो गई हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो 25 टोटल सीट्स हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में कहाँ तक एडमिशन हो सकता है, किस रैंक तक। तो आप देखिए, अगर आपका रैंक 25 तक है ईडब्ल्यूएस में तो आपका एडमिशन हो सकता है। ऑल इंडिया कोटा 25 ईडब्ल्यूएस में, ऑल इंडिया कोटा में 300 तक चला जा रहा है। जिसका ऑल इंडिया रैंक 300 है उसका ईडब्ल्यूएस 25 है। तो ऐसे में अगर ईडब्ल्यूएस नहीं होता तो एडमिशन मुश्किल था 300 रैंक वालों का, लेकिन ईडब्ल्यूएस के ज़रिए उसका एडमिशन हो सकता है। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस में हैं, ऑल इंडिया रैंक 300-350 तक है, वो भी रजिस्ट्रेशन कराएं, काउंसलिंग कराएं, उनका एडमिशन हो सकता है। क्योंकि सीट जो है ईडब्ल्यूएस की आई है वो सब ईडब्ल्यूएस को ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिल सकती है। नहीं अगर कोई रहेगा तो मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एससी एसटी की सीट्स होती हैं तो एससी एसटी में सिर्फ 3 लोग ही इस बार भी क्वालिफाई हैं, तो वो इसलिए कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि उसमें लोग क्वालिफाई ही नहीं रहते वो। लेकिन ईडब्ल्यूएस में तो क्वालिफाई हैं लोग, बहुत सारे हैं, तो ये सीट्स ऐसा नहीं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग हैं क्वालिफाई हैं और लोग अवेलेबल हैं। अगर बीच वाले लोग नहीं, सारे ईडब्ल्यूएस वाले नहीं अप्लाई करेंगे तो और पीछे वाले ईडब्ल्यूएस वाले को सीट मिल जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस में जो लोग हैं वो अपना रैंक देखें और उस हिसाब से एडमिशन काउंसलिंग कराएँ। थैंक यू।